हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ ब्राउनी की रेसिपी, एकदम परफेक्टली क्रिंकल टॉप, बढ़िया फ्लेकी, बिना किसी अंडे के, बिना मिल्क मेड के। आज हम ये ब्राउनी बना करके रेडी करेंगे क्रिसमस स्पेशल। तो इस रेसिपी को आप क्रिसमस पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम यहाँ पर एक केक टिन ले लेंगे। तो मैंने ये 7 इंच केक टिन ली है। इसे घी या बटर से आप इस तरह से ग्रीस कर ले। अच्छे से ग्रीस करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम ब्राउनी को जब डीमोल्ड करें या किसी भी केक को डीमोल्ड करें ना, वो आसानी से डीमोल्ड हो जाए। और यहाँ मैंने ले लिया है ये बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर। आप इस तरह से ना उसे इस तरह से फिक्स कर दे और इसके जो लेफ्ट ओवर हेड्स है ना, यानी कि जो साइड पे थोड़ा सा ये पेपर बच रहा है, इसे इसी तरह से आप निकाल दें साइड में से। तो देखिए यहाँ पे ना मैं इसे चारों तरफ इस तरह से फिट करूंगी, इसकी कटिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं इसे इसमें अच्छे से लगा दूंगी। तो ये अगर आपके पास हो तो ज़रूर यूज़ करें, नहीं हो तो आप इसे एज इट इज़ ऑयल या बटर से ग्रीस करके इसे फ्लावर से डस्ट कर दें, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया है, आराम से ये फिक्स हो जाता है। थोड़ी सी आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे ना, आराम से ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 2 ओवरहैंग्स इस तरह से साइड पे छोड़ दिए हैं और 2 मैं और इस तरह से पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा करके साइड पे छोड़ रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम ब्राउनी को डीमोल्ड करें ना, तो वो आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो आप भी इसी तरह से करें और बस इसे फिक्स करने के बाद इसे साइड पर रख दें। और आइए अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी बेकिंग करनी है ना, उसमें मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो मेजरिंग कप्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको वेइंग स्केल पर वे करके बताऊंगी कि आपको कितनी कितनी कौन सी चीज जो है वो लेनी है। तो यहाँ मैंने वेइंग स्केल को 0 पर सेट कर दिया है और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 90 ग्राम मैदा। तो पहले हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स रेडी कर लेंगे, फिर हम लिक्विड इन्ग्रीडियंट्स की तरफ जाएंगे। तो 90 ग्राम देखिए यहाँ पे पूरा सेट किया हुआ है, फिर से मैंने उसे 0 पर सेट कर दिया और यहाँ पे मैंने ले लिया अब ये कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर मैंने 10 ग्राम जो है वो यहाँ पे लिया है। अगर आप स्पून से मेजर करें तो 2 चम्मच यहाँ पे कोकोआ पाउडर मैंने लिया है। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर। वैसे तो ब्राउनी में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये एगलेस है इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेंगे मिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मिक्स करके रख लें। और अब चलते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में मैं यहाँ पे 100 ग्राम दही ले लूंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी मेजरमेंट्स ना पहले से ही करके रखी हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये सारी मेजरमेंट्स दोबारा से कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम दही ले लिया। दही एकदम गाढ़ा होना चाहिए। इसी के साथ 120 ग्राम मैंने यहाँ पे ले ली पिसी हुई चीनी। तो ये नॉर्मल चीनी है जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी और वो मैंने यहाँ पे यूज की है। कोई आइसिंग शुगर का यूज मैं नहीं कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूंगी ना, इसे फिर से 0 पे मैंने सेट कर दिया और इसे कर दूंगी यहाँ पे बढ़िया से मिक्स। तो इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ना इसी तरह से अच्छे से विस्क करना है। जितने बढ़िया से ये मिक्स होगा ना, आपकी ब्राउनी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो मेक श्योर करें इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए अच्छे से विस्क करें। इलेक्ट्रिक विस्कर हो तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं इलेक्ट्रिक विस्कर का भी यूज नहीं कर रही हूँ, इसी तरह से मैं अपने हाथ की मदद से ही ना इसे विस्क करूंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब लिक्विड इंग्रीडियंट्स लेना तो जो बाउल है वो थोड़ा सा बड़ा ले आप। और अब हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे चॉकलेट को मेल्ट। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉयलर सेट किया है, यानी कि नीचे पानी गर्म होने के लिए रखा है और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ बटर और ये डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट को मैं इस तरह से तोड़कर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बटर मैंने यहाँ पे कितना लिया है, मैंने लिया है 25 ग्राम बटर और 120 ग्राम मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है। तो ये अमूल की डार्क चॉकलेट है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप इसका यूज कर सकते हैं। डेयरी मिल्क या किसी और चॉकलेट का फ्रेंड्स यूज ना करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बटर कम था तो मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड किया। तो 120 ग्राम मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है और 25 ग्राम मैंने यहाँ पे बटर का यूज किया है। मेजरमेंट्स आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है, ब्राउनी तभी अच्छी और टेस्टी और बढ़िया बनेगी।
तो अब देखिए चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप ये प्रोसीजर चाहें ना तो आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखें और उसके ऊपर इस तरह से एक बॉल रख दें और उसमें चॉकलेट और बटर ऐड करके उसे मेल्ट कर लें। और यहाँ पे हम इसे दोबारा से एक बार विस्क कर लेते हैं। अच्छे से विस्क होगा ना तभी हमारी ब्राउनी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रही हूँ, वो है वनीला एसेंस। तो मैंने आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस इसमें ऐड किया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो फ्लेवर को ये एनहेंस ही करेगा। और बस अब इसे भी अब हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से विस्क करना है ताकि चीनी और दही ना आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। और दूसरी तरफ हमारा चॉकलेट भी मेल्ट हो रहा है। तो देखिए चॉकलेट यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, इस चॉकलेट को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी जो हमने चीनी और दही का मिक्सचर रेडी किया है। तो सारा चॉकलेट हमें यहाँ पे इसमें ट्रांसफर कर देना है। तो मेक श्योर चॉकलेट जो हो वो डार्क चॉकलेट हो। आप इसकी जगह कैडबरी का चॉकलेट या कोई और चॉकलेट का यूज ना करें। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है अमूल की, कैडबरी की, वो आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में ये सारी चॉकलेट्स इजिली मिल जाती हैं। और बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स बढ़िया से। तो देखिए चॉकलेट तो हो गया यहाँ पे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स मेरे किचन में, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी ब्राउनी है। बहुत ही यम्मी ब्राउनी बनती है और चॉकलेट की जो खुशबू है ना, बस मन कर रहा है इसे अभी खा लिया जाए। तो अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने रखे थे उन्हें मिक्स करेंगे। तो मेक श्योर एक साथ ही मिक्स ना कर दें। इस तरह से आप एक स्ट्रेनर ले लें और स्ट्रेनर में थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर जो है ना ऐड करते जाएं और इसे छानते हुए इसमें मिलाते जाएं। इससे एक एयर डेवलप होगा और ब्राउनी और भी ज्यादा यमी बनेगी और कोई अगर सॉलिड पार्टिकल होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान लिया थोड़े से मिक्सचर को। अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी। तो इसे बहुत जोर जोर से मिक्स नहीं करना है। कभी भी केक और ब्राउनीज में ना आपको मिक्सचर और बैटर को, ऑयल और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जोर जोर से मिक्स नहीं करना है। अदरवाइज आपका केक जो है वो एकदम सॉफ्ट बनेगा, एकदम स्पंजी नहीं बनेगा, एकदम सॉगी सा हो जाएगा। तो देखिए इसे हल्के हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बस इसे ओवर मिक्स बिल्कुल ना करें। बस कुछ चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपकी ब्राउनी एकदम परफेक्ट, डिलीशियस, परफेक्ट क्रिंकल्ड, परफेक्ट फ्लेकी ब्राउनी बनकर के रेडी होगी, जिसे आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो बचा हुआ मिक्सचर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो दो बारी में मैंने ये ड्राई इंग्रीडियंट्स जो है वो इसमें ऐड किए हैं। देखिए इस तरह से आप अपने हाथों से इसे मिक्स कर सकते हैं या चम्मच ले लें उससे मिक्स कर लें। और बस इसे भी हमने जैसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया चॉकलेट और दही के मिक्सचर के साथ, बस वैसे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत जोर जोर से मैं यहाँ पे इसे मिक्स नहीं कर रही हूँ, कट एंड फोल्ड मेथड से मैं इसे यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, आपको एक एक डिटेल चीज मैं दिखा रही हूँ ताकि जब आप ये रेसिपी बनाए ना फ्रेंड्स, तो आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बन करके आए। एक बार अगर आपने इस तरह से ब्राउनी बना ली ना, तो यकीन मानिए हर बार आप इसी रेसिपी का यूज करके ब्राउनी बनाएंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी और डिलीशियस ये ब्राउनी बनकर के रेडी होती है। मार्केट से भी अच्छी बनेगी और सबसे बड़ी बात एगलेस है, तो आपको कोई डाउट भी नहीं होगा कि इसमें अगर कहीं अंडा ना हो, कहीं और मार्केट से लाए हैं, कहीं आप अंडा ना खा रहे हो, तो इसलिए फटाफट से आप ये रेसिपी ट्राई करें। और लीजिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ओवर मिक्स मैंने इसे बिल्कुल नहीं किया है, हल्का समय से और मिक्स करूंगी ताकि सारा मिक्सचर इकट्ठा हो जाए। और बस फिर हमें इसे जो केक टिन हमने बना करके रेडी की थी ना, जिसमें हमने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाया था, उसमें हम इसे कर देंगे ट्रांसफर और फिर इसे कर लेंगे बेक। तो कट एंड फोल्ड मेथड से ही हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया, अब मैं इसे ट्रांसफर करने जा रही हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जो ब्राउनी की जो मिक्सचर होता है ना, वो ना तो ज्यादा रनी होता है ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसी तरह का जो मिक्सचर है हमें चाहिए, जो बैटर है हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे हल्का से इसे मिक्स करने के बाद। तो देखिए मैं इसे अब यहाँ पे ट्रांसफर कर रही हूँ।
तो आप इसे स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से केक टिन में अच्छे से स्प्रेड कर लें और उसके बाद इसे बेक कर लें। तो मैं इसे आज ओटीजी में बेक करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप मेरी पिछली केक की वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से कढ़ाई में केक को या ब्राउनीज को बेक किया जाता है। वो रेसिपी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस क्रिसमस पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, इस तरह से ना हमें इसे स्प्रेड कर लेना है, तो मैं इसे स्पून की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। आप इसमें आलमंड्स या वॉलनट्स इस तरह से ऊपर लगा सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसे ओटीजी में डालने वाली हूँ और इसे बेक करूंगी। तो ओटीजी को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, और अब मैं इसे बेक करूंगी 160 डिग्री पे 22 से 25 मिनट के लिए। तो आप बीच में चेक कर लें। तो मैंने इसे यहाँ पे 25 मिनट के लिए बेक किया है, और लीजिए, हमारी परफेक्ट ब्राउनी बनकर के रेडी हो गई है। बेकिंग का टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, आपकी वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर सकता है, या फिर वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है, या ओटीजी पे डिपेंड कर सकता है। तो ब्राउनी को अब हम आधे घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर इसे कट करेंगे। तो इसे हमें वन स्ट्रोक में कट करना है। देखिए, इस तरह से एकदम से झटके से नाइफ को हमें बीच में लगाना है और इसे कट कर लेना है। सेडेटेड मेथड का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो मेरे पास यहाँ बड़े साइज का नाइफ नहीं है इससे ज्यादा, तो अदरवाइज मैं इसे वन स्ट्रोक में कट कर लेती। हल्का सा मुझे यहाँ पे सेडेटेड मेथड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन आप यूज ना करें, इसे एक झटके में ना आप कट कर लें। तो एकदम परफेक्ट इसका टॉप है, परफेक्ट इसका बेस है। आप इसे जब भी सर्व करें, इसे एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में चला लें और फिर सर्व करें गर्मा गर्म ब्राउनी। इसके ऊपर थोड़ी सी आप वनीला आइसक्रीम टॉप कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी ये जो ब्राउनी है ना बन करके रेडी होती है। फ्रेंड्स, और ब्राउनी की एक और रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। तो फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करें इस क्रिसमस पर, और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। एक पीस मैं आपको यहाँ पर तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि अंदर से कैसी लगती है। तो देखिए, एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, एकदम बढ़िया परफेक्ट ब्राउनी बनी है। फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, अब आपको इस रेसिपी को ना ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं तो इसे करने वाली हूँ इंजॉय, आप फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो लीजिए, एकदम परफेक्ट हमारी ब्राउनी बनकर के रेडी हो गई है। तो इसे आप सर्व करें। जल्द मिलूंगी ऐसी बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।